काउंटी ग्राउंड पर अपने चार लीग मैच खेलने के बाद भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने बुधवार को अपनी साथियों से कहा कि दूसरे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे इसे घरेलू मैदान मानकर इस मैच को हल्के में न ले। महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से गुरुवार को काउंटी ग्राउंड पर ही होगा। इस मैदान पर भारत ने अब तक अपने सभी चार मैच जीते हैं। मिताली ने साथ ही टीम से कहा कि वे मुश्किल मैच में स्थिति के हिसाब से खेलें। मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में मिताली ने कहा, हमने ग्रुप दौर में इस मैदान पर चार मैच खेले हैं, इसलिए हम यहां की परिस्थिति से वाकिफ हैं। इसका हमें फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, खिलाड़ी किस तरह से परिस्थिति के हिसाब से खेलती हैं यह देखना होगा, क्योंकि डर्बी हमारा घरेलू मैदान है। आपको मैच जीतने के लिए उस दिन अच्छा खेलना होता है। भारतीय कप्तान ने कहा, ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी टीम है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण पर कब्जा जमाया था। उनके पास कई ऐसी खिलाड़ी हैं जो दबाव के मैचों में खेल चुकी हैं। मिताली का यह आखिरी विश्व कप है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी मिताली ने कहा कि अगर युवा भारतीय टीम अपने विपक्षी को हरा देती है तो यह उनके लिए शानदार होगा। मिताली ने कहा, इस भारतीय टीम के लिए यह बड़ा मैच है। अगर हम यह मैच जीतने में सफल रहे तो यह टीम के लिए असाधारण होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज निकोले बोल्टन ने भी अपनी टीम को भारत के खिलाफ सतर्क रहने को कहा है। बोल्टन ने कहा, भारत ने डर्बी में कुछ मैच खेले हैं, इसलिए वे यहां के हालात को अच्छे से जानती हैं। हम मैच को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आपने टूर्नामेंट में देखा होगा, अगर आपका एक दिन खराब होता है तो दूसरी टीम आप पर हावी हो जाती है। उन्होंने कहा, हमने कुछ होमवर्क किया है, यहाँ की स्थिति को देखा है और डर्बी को परखा है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत में शानदार प्रदर्शन कर मैच जीतने का मादा है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।